नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं एमके न्यूज खबरें विस्तार से। जयपुर के टोंक रोड पर चल रही सिटी बस में अचानक आग लग गई। बस में धुआं और आग की लपटें आने पर बस ड्राइवर ने बस रोक दी और उसमें बैठी 30 सवारियों को नीचे उतारा गया। मौके पर ड्यूटी दे रहे ट्रैफिक जवान रमेश ने बताया कि बस में आग लगने की वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया था। रायपुर में गोधन न्याय योजना में 144 करोड़ की गोबर खरीदी पर महिला समूह और किसानों ने मुख्यमंत्री को गाय बछड़ा आशीर्वाद स्वरूप भेंट किया है। आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना से 2 लाख से ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। इसी को लेकर ग्रामीण सीएम हाउस पहुंचे और सीएम का आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आपसी रंजिश के चलते हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल वार्ड 19 के रहने वाले रंजीत सिंह की घर जाते समय कुछ लोगों ने मारपीट कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के मामा ने बताया कि बीजेपी के महामंत्री लोकेश पांडे से युवक का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने गुंडों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी है ना, एक एक बार करके पूरा ख़त्म कर दिए उसको। ख़त्म करने के बाद सरकारी हॉस्पिटल के गेट के सामने उसको फेंक दिया गया है ना, और बहुत दर्दनाक मारे हैं है ना। और मेरे को इंसाफ चाहिए, आप लोग से यही निवेदन है, और उन लोग को फांसी होना चाहिए। घटना है जो केम क्षेत्र में हुई है रात को 12 बजे के लगभग, जिसमें थाना छावनी में हमारे द्वारा 277/22 अपराध क्रमांक के तहत में 294 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। हत्या का क्या कारण है सर, कुछ पता चल पाया? अभी प्राथमिक जांच में हत्या की जो कारण समझ में आ रहा है उसमें आपसी रंजीत है, जो दो गुटों के बीच में एक जो मृतक है रंजीत सिंह, ये तीन दोस्त जो घटनास्थल पर उपस्थित थे, और जो आरोपी पक्ष है जिसमें तीन लोगों का नाम अभी प्राथमिक रूप से उजागर हो पाया है, और इसमें उनके कुछ और अन्य साथी इनके द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया है। यूपी के बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी ने अग्निपथ के विरोध में अंकुश लगाने के लिए रिटायर्ड सैनिकों के साथ बैठक की। बैठक में रिटायर्ड सैनिकों से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को अग्निपथ के बारे में समझाने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को योजना में लाभ के बारे में बताया जाए। अगर बच्चों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई होने पर उनका भविष्य खराब हो सकता है। वहीं उन्होंने युवाओं से आंदोलन की आड़ में कानून हाथ में ना लेने की अपील की है। आपने देखा होगा आसपास के जनपदों में कुछ ऐसी चीजें हुई जहां पे हिंसक प्रदर्शन हुए, एक जगह बस को आग लगा दिया गया, इस तरीके की चीजें हुई, और उसमें कल रात्रि तक ही 100-150 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। अब अगर ये 100-150 लोग इसमें इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो चाहे इसका परिणाम जो हो, हम अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, बट इसका परिणाम जो हो, अब वो 100-150 लड़के तो इस रेस से ही हट गए, वो तो अब चयन के श्रेणी में ही नहीं आने वाले, ना अभी ना किसी और चयन की श्रेणी में आने वाले, सरकारी नौकरी उनकी चली जाएगी। खबर कटनी से है, जहां मिशन चौक अंडरब्रिज में बनी जाली 1 महीने भी नहीं चली है, जिससे ये साबित होता है कि सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। आपको बता दें कि मेसर्स नरेंद्र मिश्रा कंपनी ने निर्माण कार्य करवाया था। वहीं जाली धसकने से आने जाने वाले वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर पुल के नीचे जो निर्माणाधीन है 85 करोड़ का जो ब्रिज बना, उसमें टाट में मकबल में टाट का पैबंद लगा, जहां लोग रोज गिर रहे हैं। सागर पुलिया के नीचे जो क्रॉस में लोहे की जाली लगी है, बहुत ही घटिया लगी है, जो दब गई है। अभी ये मेरे सामने आ रहा था, एक स्कूटी सवार महिला गिर गई थी, हम लोगों ने उठाया, इसी तरीके से लोग गिर रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि ब्रिज तो बन जाते हैं मगर नगर निगम हैंडओवर नहीं हो लेती। अगले महीने निकलने वाली जगन्नाथ यात्रा को लेकर पवई के तहसील कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें कई उच्च अधिकारी शामिल हुए। इस जगन्नाथ यात्रा को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि रथ यात्रा के समय पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर देगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगी हुई आचार संहिता के चलते यात्रा का समय कम किया गया है। इस बैठक में तहसीलदार ज्योति राजपूत, थाना प्रभारी डीके सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भगवान जगन्नाथ मंदिर की जो रथ यात्रा है, प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आयोजित हो रही है। जो आयोजन समिति है उसका ये कहना है कि जो रथ यात्रा का समय है, जो दिनांक जो है, वो जो पूरी जगन्नाथ उड़ीसा का मंदिर है वहाँ से तय हुआ है, इसलिए 1 जुलाई को इन्होंने रखा है। हमारा उनसे ये आग्रह था कि आप 1 जुलाई की जगह कुछ आगे पीछे समय कर लें। उन्होंने कहा कि अब हमारा जो 1 जुलाई का समय फिक्स है और 1 जुलाई को हम लोग यात्रा वगैरह। राजधानी रायपुर में पुलिस ने घुमंतू गैंग की एक महिला समेत 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है।
दरअसल मोवा इलाके के आदर्श नगर में महिला लेक्चरर को कमरे में बंद कर वारदात को अंजाम देते हुए आरोपियों को पकड़ा गया है। महिला की सूझबूझ से पड़ोसियों ने गैंग को दबोचा है। आपको बता दें कि इससे पहले गंज थाना क्षेत्र में दो घरों में आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। यूपी के सहारनपुर में बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई और उसका पति घायल हो गया। पूरा मामला सहारनपुर के नुक्कड़ का है, जहां वे सड़क के किनारे खड़े बिजली के पोल में आ रहे करंट की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए जब उनका पति दौड़ा तो वह भी करंट की चपेट में आ गया। इस हादसे में महिला की मौत हो गई जबकि उसके पति का इलाज जारी है। सहारनपुर में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें इंटर कॉलेज की छात्रा मानसी सिंघल ने नकोट तहसील में प्रथम व जनपद में पाँचवा स्थान प्राप्त किया है। मानसी का जनपद में पाँचवा स्थान आने पर सभी ने उसे बधाई दी है। 85.4% जिले में कौन सी युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने टीचर्स पे बिलीव रखो और मेहनत करो। भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे 5 फर्जी आर्मी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ करने पर पता चला कि सभी आरोपी 25 साल से ऊपर के हैं और अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। पांचों आरोपी युवाओं को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। आरोपियों में एक स्टूडेंट विंग का जिलाध्यक्ष है तो एक जिला पंचायत सदस्य है। देखिए, आज जनपद सहारनपुर में थाना रामपुर मनिहारन अंतर्गत हम लोगों ने 5 फेक आर्मी एस्पिरेंट्स को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 लोग विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के पदाधिकारी हैं और बाकी लोग भी मेंबर्स हैं। ये लोग एक्चुअल आर्मी एस्पिरेंट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए, एजिटेट करने के लिए प्रोवोक कर रहे थे और भड़का रहे थे। इसमें से एक पराग पवार है जो एक पॉलिटिकल पार्टी की स्टूडेंट विंग का जिलाध्यक्ष है। इसके अलावा संदीप चौधरी है जो कि एक राजनीतिक पार्टी से जिला पंचायत का सदस्य रह चुका है। इन सभी 5 लोगों की गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। वहीं मुरादाबाद रेल मंडल के सभी स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल मौजूद किया गया है। इसके साथ साथ जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को भी निगरानी के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं मामले को लेकर एसपी जीआरपी अर्पणा गुप्ता ने भरोसा दिलाया है कि यहां किसी भी तरह का उपद्रव नहीं होने देंगे। इसको लेकर जीआरपी लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और संदिग्ध लोगों की तलाश भी की जा रही है। अग्निपथ के अंतर्गत हमारे मुरादाबाद अनुभाग में हर जगह अलर्ट पे हम लोग हैं। आरपीएफ के साथ संयुक्त ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। सीओज को भी स्ट्रैटेजिकली पुटअप किया गया है। जहां जहां से भी सूचनाएं आ रही हैं वहां वहां पे पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय किया गया है। संबंधित कप्तानों से बात करके जिला की पुलिस भी का भी सहयोग प्राप्त किया गया है। पीएसी डिप्लॉय की गई है। इस तरह से जो हमारा अग्निपथ का आक्रोश चल रहा है उसके अंतर्गत अनुभाग मुरादाबाद में पूरी तरह से अलर्ट बरता जा रहा है। राजधानी रायपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। मानसून का इंतजार कर रहे लोगों को बारिश होने से अब गर्मी से राहत मिल गई है। झमाझम बारिश से माहौल खुशनुमा हो गया है। वहीं सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब मानसून की सक्रियता तेजी से बढ़ने लगी है। इसके प्रभाव से ही प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बरसात की शुरुआत होते ही जिला प्रशासन चौकन्ना हो गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर तहसीलदार ने दल बल के साथ करजी और कंठी पहुंचकर अतिक्रमण हटाने का काम किया है ताकि सड़क निर्माण में तेजी लाई जा सके और बरसात का पानी सड़कों पर ना भरे, जिससे राहगीरों को भी किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दरअसल अंबिकापुर के दरिमा मोड़ से लेकर नवानगर तक लगभग 25 किलोमीटर की सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्य किया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत करने के दौरान अतिक्रमण हटाने की सूचना पहले से ही दे दी गई थी। वहीं अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए दरिमा तहसीलदार संजीत पांडे की टीम सहित दरिमा पुलिस मौके पर पहुंची और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई। अंबिकापुर दरिमा मोड़ से नवानगर के लिए जो है ये जो अपना मुख्य मार्ग है इसमें चौड़ीकरण जो है किया जा रहा है। तो 4 महीना पहले राजस्व अमला आरआई पटवारियों के द्वारा जो है सीमांकन करके शासकीय सड़क की भूमि को लोगों को बता दिया गया था। पिलर भी दोनों ओर जो है सड़क के दोनों ओर गड़वा दिया गया था। लगभग 80% लोग जो है अपने से जो है अवैध बेजा कब्जा को हटा दिए। कुछ लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे, 4 महीना बीत गए अभी तक नहीं हटाए थे।
दोनों तरफ सड़क के किनारे जो है नाली बन चुका है और बीच में जो है जो नहीं हटाए हैं वहाँ पर जो है नाली का निर्माण नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। उन्होंने किसानों और छत्तीसगढ़ के नागरिकों को पेट्रोल डीजल की कमी से हो रही समस्या से अवगत कराया है। साथ ही सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ में स्थित सभी पेट्रोलियम कंपनी के डिपो में पेट्रोल डीजल की नियमित सप्लाई का आग्रह किया है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सागर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री प्रत्याशी उषा उमेश श्रीवास्तव सहित अन्य कार्यकर्ताओं का समर्थन करने पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत धूमधाम से किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बैठक आयोजित की। बैठक में मीडिया से चर्चा कर कहा कि मोदी की गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उनको मूल रूप से लाभान्वित करने का कार्य पंचायत राज करता है, जहां पर पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि के तौर पर पद पर बैठना जरूरी है। ऐसे ईमानदार प्रत्याशी को जिताने में पूरा सहयोग करना चाहिए। क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, आदिवासी क्षेत्र, इसके लिए काम तो सरकार कर रही है। जब तक अपन पद पे नहीं रहेंगे तब तक काम को धरातल तक ले जाना बहुत मुश्किल की बात होती है। सरपंच हो, जनपद सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, तो ये अपने नहीं होंगे तब तक आप जनता सरकार की योजनाओं को धरातल तक नहीं ले जा सकते। इस कारण से हमने ये फाइट की है। आज कार्यकर्ताओं की बैठक हमें मानकर चलते हैं। आरएनडी लड़की सीपीजीबी जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको मूर्त रूप देने का काम एक त्रिस्तरीय पंचायत राज करता है। ये चुनाव दलगत नहीं होते, लेकिन हमें मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का धर्मपुर ईमानदार कार्यकर्ता समझ रखा वाला कार्यकर्ता अगर त्रिस्तरीय पंचायती राजों में बैठेगा तो हम गरीब कल्याण की योजनाओं को बेहतर ढंग से मूर्त रूप दे सकेंगे। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में होना निश्चित किया गया है, जिसका पहला चरण 25 जून, दूसरा 1 जुलाई और तीसरा 8 जुलाई को किया जाएगा। वहीं टीकमगढ़ जिले में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर कई घटनाएं हो रही हैं। वहीं खबर है कि सभी प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसको देखते हुए पीड़ित प्रत्याशी धनीराम अहिरवार ने इस बार टीकमगढ़ जिले के वीरपुरा गाँव में बने चारों मतदान बूथों पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने के लिए जिला कलेक्टर और मध्य प्रदेश आयुक्त निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। प्रत्याशी का कहना है कि मतदान बूथों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए, भारी गुंडे मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग कर सकते हैं। गांव में मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से कई ग्रामीण आगामी चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला पन्ना जिले के जनपद पवई के ग्राम केमुरिया का है, जहाँ बाशिंदों का कहना है कि गाँव में ना तो सड़क है और ना ही बिजली है, जिससे ग्रामवासियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर चुनाव जीतने के बाद मुड़कर भी नहीं देखते, जिससे तंग आकर ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का मन बना लिया है। लाइट नहीं है, रोड नहीं है, रोटा की समस्या है, इधर डरेवरी हो जाते हैं, आते नहीं है, हमको बहुत दिक्कत पड़ गया, बहुत कोई सुनाई नहीं है, बोटन के बे हो गए, इतने फिर लौट के नहीं आते, बोटे दे ले जाते हैं। ये है पूरे ग्राम वासियों की के हम लोग इस बात से परेशान हैं कि ना तो हमारे यहाँ लाइट है, ना तो रोड है, इस बात को लेकर के हम हैरान हैं। और क्या है कि आउट एरिया है तो समस्या बहुत जटिल है, इसलिए हम लोगों ने ग्रामवासियों ने फैसला किया कि अब जो भी चुनाव आते हैं इलेक्शन उसमें हम लोग मतदान नहीं करेंगे। हमारे तक कुछ की व्यवस्था नहीं है, ना लाइट के, ना पानी के, ना रोड के कुछ नहीं है। सुबह से साल हमको गली में हो गए तो कोई सुनाई नहीं। लाइट न होने के कारण बारिश में जो हम लोगों को दिक्कत आती है, जैसे अपन गेहूँ पिसवाने जाते हैं तो 6 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता है, या फिर घाटी उतर के जाएं अपन तो वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ के बच्चों का भविष्य
जो है इसके कारण नहीं बन सका, क्योंकि ना ही तो यहाँ रोड है, ना ही तो लाइट है, और यहाँ के जिम्मेवार जो हैं वो ध्यान भी नहीं देते हैं। इस बार मैं आपके माध्यम से ही सुन रहा हूँ, लेकिन ये कैमुरिया गांव जो है छरहा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, जो अपने पवई से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपने बताया है तो हम यहाँ पर जो है वो जनपद पंचायत के सीओ को भी वहाँ भेजेंगे और हम भी जाएंगे, और जैसा भी होगा उनको ग्रामीणों को समझा के उनकी जो जायज़ समस्याएँ हैं, जो उनकी जायज़ मांग है, उसको हम जो है वो उनके बारे में विचार विमर्श करके और उसका निदान कराना सुनिश्चित किया जाएगा। जिला पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही सभी प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में भिंड के वार्ड नंबर 3 के जिला पंचायत प्रत्याशी रमेंद्र सिंह रामू ने जनसंपर्क कर जनता का आशीर्वाद लिया है। वहीं अपने जनसंपर्क के दौरान वे खरिका पहुंचे और मोतीपुरा गांव भी पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका स्वागत कर उनको फलों से तौल दिया। जनता से मिल रहे इस स्नेह के बाद रमेंद्र सिंह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अपने जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस दौरान जनसंपर्क करते समय उनके साथ समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। इनका क्षेत्र से जनता ने मुझे बताया कि रामू भैया ठीक है, तो इसलिए मैं भी कहता हूँ कि रामू भैया ठीक है और फर्स्ट नंबर में चल रहा है अभी पूरे क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 3 में। हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ में चल रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं, अपना बहुमूल समय मुझे दे रहे हैं और दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, विजय भक्त का आशीर्वाद दे रहे हैं। ये प्रभु श्री राम की कृपा है। कितनी पंचायतों में आपका जनसंपर्क हो चुका है? लगभग सभी गांव में पंचायतों में संपर्क मेरा हो चुका है। ऐसी कोई पंचायत नहीं बची जिस गाँव हमारा संपर्क नहीं हुआ हो और जिस गाँव में के लोग हमारा समर्थन नहीं कर रहे हों। प्रत्येक गाँव से हमारे साथ में लोग हैं। आज आपको जितनी जो भीड़ संख्या हजारों की संख्या में दिख रही है, ये सारी भीड़ प्रत्येक गांव के लोग हैं। ऐसा कोई पंचायत नहीं है जिस गांव के लोग मेरे साथ में नहीं चल रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काव्य संग्रह छंद दर्पण का विमोचन किया। काव्य संग्रह सरोज दुबे द्वारा रचित है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद छाया वर्मा भी उपस्थित रही। वहीं सरोज दुबे ने बताया कि इससे पहले भी उनकी लिखी 2 बुक सरोज की कुंडलियाँ और सरोज की 9 गीत प्रकाशित हो चुकी है। सरोज गृहिणी हैं, उन्होंने साहित्य में रुचि है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से लगे ग्राम रोहना कला के शंकरगढ़ के रहने वाले शहीद भारत यदुवंशी का राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कश्मीर में 47 रेजिमेंट के जवान और जबलपुर आर्मी से पहुंचे अधिकारी सहित 20 सैनिकों की बटालियन ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। शहीद भारत यदुवंशी भारतीय थल सेना की 47वीं रेजिमेंट में सैनिक के पद पर पदस्थ थे। बीते दिनों बारामूला सेक्टर में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ के दौरान हैंड ग्रेनेड फटने से वह बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। सेना के स्थानीय अस्पताल में इलाज के दौरान भारत शहीद हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए MK न्यूज़ के साथ। नमस्कार।